लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे मियाँ दाऊद से। मियाँ दाऊद बताइएगा समाअत के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रूबरू साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सियासी पार्टी पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक ने ये दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने इस्तदा किया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ मियाँ मोहम्मद शरीफ को खुफिया जायदादें बनाने की बुनियाद के ऊपर नाहल करार दिया जाए और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो इनका रेफरेंस मुस्तरद किया है उसको भी कलदम किया जाए। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो नाहली है उसके ऊपर फैसला दे। आज अदालती कार्रवाई के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकला ने बताया कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस के साथ तमाम दस्तावेजात जो है वो फराहम की थी, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक ने नून लीग के कारकुन का सबूत देते हुए इम्तियाजी सलूक बरखा और नवाज शरीफ का रेफरेंस जो है वो भजवाने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के वकला जो है वो भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट का हिस्सा है और पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई में मुदाखलत का अदालत को इख्तियार नहीं है, लिहाजा ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाए। तहम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने दोनों फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद ये रिमार्क दिए कि इंतजामिया के जो अहकाम है उनका जायजा लेने का इख्तियार अदालत के पास मौजूद है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत और स्पीकर कौमी असम्बली है 27 अक्टूबर को तक इस दरख्वास्त में अपना तफसीली जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। शुक्रिया मियाँ दाऊद।